मर्दानियों की कहानी तो खूब सुनी होगी आपने, आज देख भी लीजिए। मगर देखने से पहले ये सोचिए कि आखिर अभी भी क्यों महिलाओं के कुछ भी करने पर उनको मर्दानी ही कहा जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे कहानी उज्मा की, जो अपने हाथों से घरों को सैनिटाइज कर रही हैं और बता रही हैं कि औरत अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जिनके हाथ चूड़ियां फपती हैं, उन्होंने आज देश को बदलने का जिम्मा उठाया है। ये वही कंधे हैं जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी का भार डाल दिया जाता है, ये कह के कि तेरी तो सीमा ही यही है। मगर अपनी सभ्यता को इस तरह सादगी से ओढ़े आज ये बुरखापोश निकली है सड़कों पर। आज उसने बीड़ा उठाया है देश हित के लिए कुछ करने का, मगर अभी कुछ धर्म के ठेकेदार उसको रोकेंगे, कहेंगे कि बुरखे में ये काम नहीं शोभा देता है। जिस गलियारे से वो गुजरेगी वहाँ के लोग कहेंगे कि देखो क्या जरूरत है ये करने की। घर से बाहू बाहर निकाला होगा तो पीछे से कानों में शाबाशी और ऑल द बेस्ट नहीं बल्कि ताना सुनाई दिया होगा। ताना? हाँ ताना। क्या ताना? कि तू कौन है, किसने कहा तुझे इस तरह बाहर जाने के लिए? ठेका लिया है क्या तूने देश का? लाजमी है, ठेका लिया है क्या? मगर क्यों लाजमी है ये सवाल? इसीलिए क्योंकि जहां देश के सियासतदान, और वो सियासतदान जिनके कंधों पर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो बड़े बड़े कमरों में बैठकर हिंदू मुस्लिम का ताना बाना बुनने में लगे हैं। जब देश के बड़े बड़े सूरमा नेता लोगों की सिसकियों पर मौन है तो आखिर कौन सुनेगा, कौन करेगा, कौन आखिर बढ़ेगा? मगर उसी बीच आगे बढ़ी है ये महिला। देखिए कोई घर न बच जाए, कोई दुकान न रह जाए, हर घर से हर कोने से कोरोना को खत्म करना है आज इस महिला का ये सराहनीय कदम। मगर लोगों को रास नहीं आ रहा। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि जब हमारे पुरुष प्रधान देश में एक महिला आगे बढ़कर कुछ करती है तो अक्सर कई रहनुमा शर्म के मारे छिप जाया करते हैं, और कई तो उस महिला की करनी को खुद के ईमान पर लेकर कुछ और ही सोचने लग पड़ते हैं। आखिर क्यों होता है ऐसा? इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए इस लेटर में साफ साफ दिखता है सरकार का दोगलापन। जहां एक तरफ मोदी सरकार ये कहती नहीं थकती कि वो सीए और एनआरसी का विरोध करने वालों को समझ रहे हैं और उनसे कोई भी नफरत ना करे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार के मुलाजिम अपनी ही सरकार की बातों को पलटते हुए कहते हैं कि आखिर क्यों इस महिला को सम्मान दिया जा रहा है। क्या ये उस दोहरे चरित्र को नहीं दर्शाता? मगर शायद सुनवाई इस पर नहीं होगी। आखिर क्यों होता है ऐसा? सोचने वाली बात है। उज्मा ने सैनिटाइजर का छिड़काव करने की ठानी तो लोग उससे प्रभावित होने लगे, मगर वहीं कई बीजेपी नेता खफा भी हो गए। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे, भैया खुद नजर डालिए इस लेटर पर। मगर जिसके साथ खुदा होता है वो कैसे भी रास्ता तलाश लेता है। उज्मा ने इस लेटर का जवाब भी दिया है। क्या कहती है उज्मा इस लेटर में, आइए आपको बताते हैं। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों से गुजारिश करती हूं कि आप सब नगर निगम हेड ऑफिस पहुंच गए योगी जी द्वारा दिए गए सम्मान मैं वापस करती हूं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपस में उनकी पार्टी में विवाद हो। मेरा काम लोगों को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। मैं सम्मान की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो बस अपने देश के लोगों की मोहब्बत चाहिए। और हमारे सीएम सबका बहुत बहुत शुक्रिया और नगर आयुक्त का जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मगर मैं आदर के साथ उनके सम्मान को वापस करती हूँ। उज्मा का कई संस्थानों ने सम्मान भी किया था जिसमें से नगर आयुक्त भी थे। इसके साथ ही उज्मा ने भी लोगों को धन्यवाद दिया। सुनिए इस मर्दानी की कहानी उसी की जुबानी। जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा करना इनका काम है, और सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से आपने देखा प्रशासन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हम सब सामाजिक कार्यकर्ता, नगर निगम, पुलिस प्रशासन सब कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त कोविड-19 में सब कार्य कर रहे हैं, तो इनको सलाम है।